चेतन सिंह दौड़ा माजरा वालों पंजाब वासियों दे दुनिया भर के बैठे पंजाबियों श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े की बधाइया दित्तियां ते कहा कि जो रस्ता श्री गुरु नानक देव जी ने सानू दस्सा है सानू उस चलन की लोड़ है। आप पार्टी के कुछ नौजवान जो शामिल हुए हैं उन्हों का स्वागत किया ते उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नौजवानों के लिए लगातार काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जेड़े किसान धरने ला रहे हैं चंडीगढ़ के धरना लगाने किसी मसले का हल नहीं होंदा। पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब सरकार हर समय सरकार के दरवाजे खुले हैं। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं भी साढ़े को आओ बैठे गलबात करो हर समस्या का हल गलबात नाल निकल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के किसानों नहरी पानी उन्होंने खेतों में पहुँचाने के लिए काम किया जा रहा है। जिन लोगों वालों रजवाहों पर कब्जे किए गए हैं वो कब्जे हटाए जाएंगे ताकि किसानों पानी मिल सके। नहरी पानी देना साडा पहला काम है क्योंकि आने वाले समय के जरा जमीनी पानी का पद्धर है हेठा गिर रहा है। छोटा किसान ट्यूबवैल नहीं लगा सकता 5-7 लाख रुपए खर्च के। पंजाब सरकार लगातार चाहती है कि पंजाब के एक रंगला पंजाब बने पंजाब के नौजवान रुजगार मिले उसके लिए सरकार काम कर रही है। सब तो पहला मैं देश विदेश बसते सारी साडे भरावां गुरपुरब दियां बहुत बहुत मुबारकबाद क्योंकि गुरु नानक देव जी ने हमेशा सानू सांझी वार्ता का जिहड़ा हैगा संदेश दिता है क्योंकि उन्होंने चारों पासों जिहड़े चारे दिशावां दे विच जिहड़ियां यात्रावां कीतियां और सब नू इक्को ही कहा कि अल्लाह वाहिगुरू भगवान सब इक्को ही रब का रूप ने। सो इस करके असी जिहड़ा अज दे दिन जिहड़ा सारे पंजाब वासियों देश वासियों देश विदेश बैठे संगतां नू इस दिन दियां बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान जो पंजाब प्रति हमदर्दी लैके जो पंजाब प्रति विजन लैके चले हुए हैं उन्होंने देख के जिहड़े पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी नाल जिहड़े वड्डी गिणती जुड़ रहे हैं। सो इस करके असी मान साहब का भी धन्यवाद करदे हां जिहड़े पंजाब चाहुंदे ने कि रंगला पंजाब बने जो पहला 20-30 साल पहला पंजाब की जिहड़ा रंगला पंजाब हुंदा सी सो उन्होंने देखते हुए अज बहुत सारी गिणती जिहड़े लोग ने मुंडे ने उन्होंने नौजवान ने उन्होंने ज्वाइन कर असी तो लगातार लगे होएंगे कि पंजाब के हित की गल किवें की पंजाब की भलाई लिए किवें गल की हुई जिते किसानों की गल है असी सगों इतकी दारी जो वस्ट है वह कुछ सब्जियां ने जिहड़ियां उन्होंने भवनंतर मुल की जिहड़ी हैगी है अमाउंट भी रखी है 15 करोड़ अमाउंट रखी है जिदे नाल कि किसानों जिहड़ा कोई सब्जी के रेट च डिफरेंस आऊगा वह असी जिहड़ा हैगा जिहड़ा डिफरेंस है वह जिहड़ा दिता जाऊगा। पर किते ना किते मैनूं लगता है कि जिहड़े किसान ने वह जे फार्म लैंदे नहीं जे फार्म लैणगे तां उह पता लगूगा कि की रेट फसल विकी आ सब्जी की रेट विकी आ। सो इस करके किते ना किते सानू सारयां नू जिहड़ा हैगा अवेयर होण दी लोड़ है तां कि जे फार्म लवांगे तां ही सरकार नू पता लग सकदा कि रेट विकी आ। देखो साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो सरदार भगवंत सिंह मान होर ने हमेशा कहा कि जिसनों भी कोई गलबात करनी है कोई साढ़े तक गल पहुँचाउनी है आओ तुसीं जदों मर्जी 24 घंटे दरवाजे खुले ने। सो इस करके जिहड़ा मसला गलबात नाल निकल सकता है वह मैनूं लगता है धरने प्रदर्शन रोज़ का किते ना किते बहुत सारे इहो जिहे बच्चे ने जिन्हां कोई पेपर देना जां होर जरूरी काम वास्ते किसी ने फ्लाइट फड़नी है उन्हां नूं बहुत सारी खज्जल खुआरी का जिहड़ा सामना करना पैंदा जिहदे नाल लोग परेशान हुंदे। सब तो पहले तो यह है कि जिहड़ियां नाले खाले बंद हो गए सीगे उन्हां नूं दुबारे खड़ाया जाऊगा जिहड़े खाले किसी कारण करके जां बाह ले जां होर कर ले क्योंकि इहदे जे खाले नहीं चलणगे तां किसानां दे नुकसान है। हुण तां असीं बोर करा लाँगे जे होर डूंगे चले गए तां बोर कौन कराऊगा लखां रुपया लग जा 5-7 लख रुपया लग जा करना तां छोटा जिमीदार है जिहड़ा उहदे वास्ते तां अज भी बोर कराउणा जिहड़ा बहुत औखा है। सो इस करके असीं कोशिश करांगे कि वध तों वध जिहड़ा खेतां तक है जिहड़ा नहर दा पाणी जिहड़ा पहुँचाया जा सके। ये वक्त वक्त पार्टियां तो मुंडे लिया आप इकट्ठे करके चेतन सिंह जोड़ा माजरा जो काम करते थे उन्होंने स्पैर हो गए ये मुंडे अपने थ्रू रले ने किन्ने मुंडा है 3-4-6-700 मुंडा है। हाँ जी पहले ये वक् वक् पार्टियां कोई मुंडा किसी क्लब न जुड़िया कोई किसी ना जुड़िया पर मैं अपने थ्रू जोड़ के मुंडे सारे वीर टवाणे के थ्रू वड्डे वीर नाल गल करके इन्हां मंत्री सा जुड़न की कोशिश कर रहे हैं मुंडे वध तो वध कैमरामैन बीके गर्ग पुरशोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।